नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे व्हाइट लगन चिकन के बारे में। इस चिकन को कैसे पाला जाती है, ईयरली कितना एक देती है, एक कौन सा पर्पस के लिए ये पालन पोषण किया जाता है, इसका फार्मिंग क्यों किया जाती है, मीट पर्पस या एक प्रोडक्शन, इन सारे चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में आपके सामने मैं बताऊंगा। सो आप हमारा वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आप लोगों ने जो वीडियो में देख रही हो, जो मुर्गा है इसका नाम है व्हाइट लेगहॉर्न। जैसे ब्रॉयलर, सोनाली और कंट्री चिकन फार्मिंग किया जाती है मीट पर्पस के लिए, वैसी तरह ईग प्रोडक्शन के लिए वो व्हाइट लगन मुर्गा फार्मिंग किया जाती है। व्हाइट लगन ईयरली आप 280 से लेकर 210, 220 तक वो ईग प्रोडक्शन करता है। तो इस मुर्गे का फार्मिंग के लिए पॉजिटिव ये है कि इस मुर्गे का फीड ज़्यादा कम लगती है, दूसरे मुर्गियों की तरह इतना फीड नहीं चाहिए इसको। जैसे RIR है, BV380 है, सोनाली, कंट्री, इन सारे मुर्गियों की जैसा इस मुर्गी को नहीं चाहिए इतना फीड। और इसका जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर जो है ज़्यादा है, इसमें बीमारियों ज़्यादा कम होती है और इसका मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। सो इसलिए अगर आपने एक प्रोडक्शन के लिए मुर्गा फार्मिंग करने के लिए सोच रही हो, तो आप लोग एक व्हाइट लगन जो मुर्गा है इसको ले सकती हो। इस मुर्गी पालन व्यवस्था के लिए 4 वैक्सीन देना पड़ती है। पहला वैक्सीन है 3 से 7 दिन के अंदर देना पड़ता है, इसको रानीखेत कहलाती है। दूसरा वैक्सीन है 14 दिन में, जो 14 डेज, इस डेज में सेकेंड वैक्सीन कहलाती है, इसका नाम है गांबुरु वैक्सीन। तीसरा है आपका 20 डेज, जब इस चिक्स का एज होता है व्हाइट लगन मुर्गियों का, तो इसको अगेन जो पहले आपने दिया था रानीखेत वैक्सीन, इसको फिर देना है 20 डेज में। अगर 28 डेज में फिर देना है जो आपने 14 डेज में गांबुरु वैक्सीन दिया था। तो ऐसे 4 वैक्सीन कंप्लीट होने पर इस मुर्गी का कोई बीमार नहीं आता और मोर्टेलिटी भी नहीं होती। अगर इसके फीड के बारे में बोलो तो ये पहले 1 से 20 दिन तक प्री स्टार्टर जो फीड है वो देना पड़ती है। तो 20 से 60 डेज तक इसको स्टार्टर देना पड़ता है, और बाकी जो 60 से इसका ऊपर है, जो 60 से 130, 120 डेज है ना, तो इसमें इसको ग्रोअर दाना देना पड़ती है और बाद में लेयर दाना। दोस्तों, ये जो मुर्गी है, इस मुर्गी ने 4 से 5 महीने के अंदर इसका एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर इसका एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है आपका फार्म में, तो आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रेगुलर ही एक प्रोडक्शन करती है, उसके गैप नहीं देता इतना। जैसे सोनाली है, कंट्री चिकन है, दूसरा मुर्गियों की तरह वो गैप नहीं देता, वो कंटिन्यू वो एक प्रोडक्शन करता है। तो दोस्तों, ये एक प्रोडक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मुर्गी कहलाती है। सो अगर आपने सोच रही हो जो आपने फार्मिंग करेंगे वो एक प्रोडक्शन के लिए, तो आप ये ले सकती हो। व्हाइट लगन है इसका नाम, एक प्रोडक्शन के लिए वो चिकन वन ऑफ द बेस्ट है। दोस्तों, इस मुर्गी को आप दोनों तरह से रख सकती हो। पहला, अगर आपके पास इतना जगह नहीं है फार्म बनाने के लिए, बहुत बड़ा फार्म बनाने के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है, तो आप छोटा सा रूम में कैस बनाकर इसको रख सकती हो। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है फार्मिंग के लिए, तो इसको फ्री रेंज में कर सकती हो। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है।
अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, और आप लोगों का दोस्त के साथ थोड़ा शेयर भी कर देना। और हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इधर ऐसे फार्मिंग रिलेटेड वीडियो रोज़ अपलोड देंगे आपका सुविधाओं के लिए। सो हमारा चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, वीडियो पहले से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद है।